ट्रांसफर में जो प्रतिबंध है वो हटेगा और उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसी प्रकार से प्रथम अनुपूरक 2022-23 का, उसके बारे में भी अनुपूरक कितने का है क्या है ये डिटेल तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना है, लेकिन प्रथम अनुपूरक के जो प्रस्ताव आए थे उसका भी अनुमोदन किया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष इनके वेतन भत्ते के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 के प्रारूप का भी अनुमोदन हुआ है और सदस्यों के संबंध में उनके भी प्रारूप का, विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ता के संबंध में भी प्रारूप का अनुमोदन हुआ है, लेकिन विस्तृत जानकारी विधानसभा का सत्र होने के कारण नहीं बताई जा सकती। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का जो स्वेच्छानुदान का प्रावधान 40 करोड़ था उसको बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये किया गया है। क्षेत्र संयोजक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी में पदोन्नति, क्योंकि पात्र पद जितने रिक्त थे और पात्र व्यक्तियों की कमी के कारण उसमें पदोन्नति के लिए 5 वर्ष 6 माह की छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा 2022-23 में अतिरिक्त राजस्व गौठान के रखरखाव और अन्य मदों में खर्च करने के लिए जो शराब की बिक्री पर जो 5 रुपये प्रति नग के हिसाब से जो शुल्क लगाया गया था उसको बढ़ा के 10 रुपये किया गया अन्य विकास गतिविधियों के लिए। हाँ, शेष की अतिरिक्त आबकारी शुल्क के रूप में। ये जो पहले राज्य परिवहन निगम, तत्कालीन मध्य प्रदेश के समय राज्य परिवहन निगम था, उसके बाद 1 नवंबर 2000 को नया छत्तीसगढ़ राज्य बना। नया छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कुछ समय के पश्चात राज्य परिवहन निगम को बंद कर दिया गया था और उनके कर्मचारी वर्तमान में अलग अलग विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। कुछ कर्मचारी जो बच गए हैं जो मूल विभाग CIDC में हैं, अब उसमें एक फैसला ये लिया गया था कि इनको कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात जो अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना है तो वो अनुकंपा नियुक्ति में शिक्षकों की भर्ती, शिक्षक के रूप में मान्यता उनको दी गई थी, लेकिन बाद में संशोधन ये हो गया कि उसमें BEd और की समस्या आ रही है, तो जिसके कारण अब उनको जो नियुक्ति मिलेगी तो अन्य जो निगम मंडल हैं उस निगम मंडल में उनको नियुक्ति रिक्त स्थानों पर दी जा सकेगी। इसके अलावा अन्य निगम, जिस निगम मंडल में वो हैं उसमें उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी उनके परिवार के पात्र व्यक्तियों को जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और रेगुलेशन बिल का भी अनुमोदन हुआ है, ये भी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना है, तो उसकी जानकारी विधानसभा में पारित होने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ राज्य में जो मोटर यान हैं इनके बकाया कर के लिए 1-time settlement की योजना लाई गई थी, अब 1-time settlement योजना जो लाई गई थी उसका समय अब समाप्त हो चुका है, लेकिन लगातार जो परिवहनकर्ता हैं या ट्रांसपोर्ट ओनर हैं और इस काम में जो लगे हैं तो उनका लगातार ये मांग है कि कुछ समय के लिए ये योजना यदि बढ़ा दी जाए इस स्कीम को तो बहुत जो टैक्स का जो वसूली बाकी है वो टैक्स का वसूली भी हो सकता है।